अभी कुछ दिन पहले टीवी वालों ने पूछा मोदी जी सरकारी नौकरी कहाँ है, तो मोदी जी ने कहा पकौड़े का ठेला लगा। बहुत बढ़िया भैया, हमारे लड़के पकौड़ा ठेला लगा हुआ है। और तो हाँ, अमित शाह बेटवा 1000 करोड़ रुपया मुनाफा कमाए। तिवारी जी, ऐसे चलेगी व्यवस्था? ऐसे चलेगी व्यवस्था? मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी से, इस मंच के माध्यम से, अमित शाह के बेटे को बोलो, अपने मंत्रियों के बेटे को बोलो, सांसदों और विधायकों के बेटों को बोलो, उनसे भी कहो पकौड़े का ठेला लगा ले। करावल नगर के भी लोग पकौड़े का ठेला लगा के अपना अपना पेट पाल ले। तुम्हारे बेटे 1000 करोड़ का मुनाफा कमाएंगे, हमारे बेटे पकौड़े का ठेला लगाएंगे। किसानों को कहा फसल का 1.5 गुना दाम देंगे। लेकिन शर्म आती है याद करके, ऐसी क्रूर सरकार देश में चल रही है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार हुआ तमिलनाडु का किसान प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने आकर पेशाब पीने के लिए मजबूर होता है। धिक्कार ऐसी सरकार पर जिसके राज में अन्नदाता पेशाब पीने के लिए मजबूर होता है। यह हालत करती हिंदुस्तान की। माताओं बहनों को कहे सुरक्षा देंगे, माताओं बहनों 56% पैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम पर 56% पैसा अपने विज्ञापन के ऊपर मोदी जी ने खर्चा कर दिया। और तो और छोड़ो, तुम कैसे बेटी को बचाओगे प्रधानमंत्री जी? अरे बेटी तो बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, पता नहीं आपको शर्म आती है कि नहीं आती है, लेकिन हम सबको बहुत शर्म आती है। मोदी जी, 8 साल की बच्ची कठुआ में उसका बलात्कार होता है, 3-3 तुम्हारे मंत्री भाजपाइयों के मंत्री उन बलात्कारियों के समर्थन में रैली करने के लिए जाते हैं। धिक्कार है ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच पर जो लोग इस देश के अंदर राज कर रहे हैं। गाय के नाम पर इंसान का कत्ल करते हैं। एंटी रोमियो का अभियान चला उत्तर प्रदेश में, भाई बहन साथ में जा रहे हैं उनको पकड़ के पीट दिया, बाप बेटी साथ में जा रहे हैं उनको पकड़ के पीट दिया, पति पत्नी साथ में जा रहे हैं उनको पकड़ के पीट दिया। अरे गुंडागर्दी से हिंदुस्तान नहीं चलेगा, अमन और चैन से हिंदुस्तान चलेगा। तुम वो लोग हो जो ताजमहल मोहब्बत के प्रतीक को तोड़ देना चाहते हो। भाजपाइयों ने कहा मुगलों ने ताजमहल बनाया इसलिए इसको तोड़ देना चाहिए। मैंने कहा भाजपाइयों फिर कुतुब मीनार भी तोड़ डालो, उसको भी मुगलों ने बनाया। राष्ट्रपति भवन भी तोड़ डालो, राष्ट्रपति भवन भी तोड़ डालो, संसद भवन भी तोड़ डालो, जीटी रोड भी तोड़ डालो। अरे लाल किले जहां से नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं वो भी मुगलों ने बनाया, उसको भी तोड़ डालो। तोड़ने से नहीं, हिंदुस्तान जोड़ने से आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान जोड़ने से आगे बढ़ेगा। हमारी गंगा जमुनी तहजीब वो है, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता वो है, जहां पर वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को हम लेके चलते हैं। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो जब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं तो हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार, पूरी दुनिया हमारा परिवार। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्ला खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। और ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। और तुम इस सभ्यता को मिटाना चाहते हो, तुम इस संस्कृति को मिटाना चाहते हो, तुम दिन रात झूठ बोलकर हमसे हमारा वोट हासिल करना चाहते हो। तो इसलिए मैं मोदी जी के बारे में एक ही बात कहता हूं, दिलीप पांडे जी, हमारे प्रधानमंत्री जी में कोई खासियत हो ना हो, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए तो नंबर 1 पे मोदी जी आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। तब क्या बोल जाते हैं उनको खुद ही पता नहीं रहता। बिहार में गए तो कहें तक्षशिला बिहार में, अब बिहारी खोज रहा है तक्षशिला कहां बिहार में। यूपी में गए तो कहें बाबा गोरखनाथ और संत कबीर और बाबा गुरु नानक देव एक साथ मीटिंग करते थे, अब उनके जीवन काल में सैकड़ों साल का अंतर है। फिर कहने लगे शहीद आजम भगत
भगत सिंह अंडमान निकोबार की जेल में बंद थे। भगत सिंह कभी अंडमान निकोबार की जेल में बंद ही नहीं थे। फिर कहने लगे हिंदुस्तान की आबादी 600 करोड़ है। फिर कहने लगे दयानंद सरस्वती की श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मुलाकात हुई थी। फिर कहने लगे 125 करोड़ लोगों को घर की चाबी बांटी। फिर कहने लगे नाले कैसे चाय बनाए। चाय बनावे कहा सबका, पहले अपने घर में नाला खोदा होगा, पहले नाला में गैस लगाए कि तब चाय बनाओ सब। गलत तो ना करते, ये हालत कर दिया मोदी जी ने। अनाप शनाप जो मन में आता है कुछ भी बोलते रहते, खाली सोते समय खामोश रहते, बाकी 24 घंटा भाषण चलता रहता। अब क्या कर रहे हैं, थर्मल मीटर लेके घूम रहे हैं। वाजपेयी तुम देशभक्त हो, तुम देशद्रोही हो, तुम देशभक्त हो, तुम देशद्रोही हो, अरे भैया थर्मामीटर हमको भी दिखा दो। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तिरंगा झंडा और भारत माता की गूंज अगर सड़कों पर पूरे हिंदुस्तान में गूंजी है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाई है। तुमसे हमको देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिन लोगों ने आजाद मसूद को कंधार में छोड़ने का काम किया, जिन लोगों ने पठानकोट की जांच आईएसआई से कराने का काम किया, जिन लोगों ने बगैर बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने का काम किया, और जो लोग कहते थे पाकिस्तान को टक्कर देंगे अब वहां से शक्कर मंगाने का काम कर रहे हैं, उनसे हमको देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम देशभक्त थे और देशभक्त रहेंगे। लेकिन जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद कर लेना, 4 साल पहले एक सरकार आपने दिल्ली में बनाई, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का दाम आधा किया, एक ऐसी सरकार जिसने पानी मुफ्त करने का काम किया, एक ऐसी सरकार जिसने सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास हॉकी के ग्राउंड बनाए, सरकारी स्कूलों में एथलीट के ग्राउंड बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया जिसकी चर्चा अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, दिलीप पांडे से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। एक ऐसी सरकार जिसने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया, लोगों ने कहा केजरीवाल जी 300 करोड़ रुपए बच गए इसका क्या करोगे, केजरीवाल ने कहा दिल्ली के अंदर हमारे माताओं बहनों को सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त दी जाएंगी, ये फैसला हमने करके दिखाया। एक ऐसी सरकार जिसने विधवा का पेंशन दोगुना किया, विकलांग का पेंशन दोगुना किया, वृद्धा का पेंशन दोगुना किया, एक ऐसी सरकार जिसने गेस्ट टीचर की तनख्वाह दोगुना की, आंगनबाड़ी की तनख्वाह दोगुना की, एक ऐसी सरकार जिसने इतना सारा काम करने के बाद भी 4 वर्षों में आज हिंदुस्तान के लोग हैरान हैं, दुनिया के अर्थशास्त्री हैरान हैं, हमने अपना बजट दोगुना करने का काम किया, मुनाफे का बजट दिया। एक ऐसी सरकार दिल्ली में हमारे जवान पुलिस के यहां पर मौजूद है, उनको याद होगा पहले कोई जवान शहीद हो जाता था अपनी ड्यूटी पर तो सरकार खाना पूर्ति करती थी, कुछ 1000 रुपए देती थी, एक सिलाई मशीन देती थी उसकी बेवा को। लेकिन केजरीवाल जी की सरकार ने कहा दिल्ली का जवान हो पुलिस का या फिर सीमा पर हमारी रक्षा करने वाला जवान हो, अगर शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी, और किसान का फसल बर्बाद होता है तो 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा। जय जवान जय किसान के नारे को जमीन पर हमने सच करके दिखाया है। लाल बहादुर शास्त्री के नारे को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने सच करके दिखाया है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं अपना वोट देने के लिए जाना तो पड़ोसी को भी ले जाना, मोहल्ले वालों को भी ले जाना, और ये मत कहना कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है, ये कहना कि हमको अपने आप को वोट देना है, अपने आप को वोट देना है, झाड़ू को वोट देना है, ये आप ही की तो पार्टी है, ये आपकी पार्टी है, आपको घर से निकलना है तो ये कहना है चलो अपनी पार्टी को वोट दे के आए। क्या कहना है, अपनी पार्टी को वोट दे के आए, अपनी पार्टी को हारने मत देना,
अपनी पार्टी का सम्मान हमेशा आपने उठाया है, इस देश की राजनीति में हमेशा अपने सम्मान को आपने ऊपर किया है। झाड़ू निशान पर, भाई दिलीप पांडे के खाने पर इतनी बटन दबा देना कि बाकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए और दिलीप पांडे यहां से चुनाव जीत कर जाए, लाखों मतों से जीत कर जाए। इसलिए भी साथियों ये करना है क्योंकि आज आम परिवारों के बच्चे राजनीति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक ही पार्टी है जिसने आम घरों के लोगों को निकाल के राजनीति में आगे किया। हम जैसे लोग कभी राज्यसभा में नहीं पहुंच सकते थे, ये आम आदमी पार्टी है जिसकी बदौलत हम लोग राज्यसभा में पहुंच गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में नजर उठाकर देख लो, चंद परिवारों का देश की राजनीति में कब्जा है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों ने देश की राजनीति में कब्जा कर लिया है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, पाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, पिप्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानी मोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बिटवा राजीव, बिटवा संजय, राहुल सोनिया, बिटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां जरा बताओ, पार्टी है नहीं। ये पार्टियां नहीं चल रही हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। आपको कहते हैं पंजे को वोट दे दो, कमल को वोट दे दो, नहीं, ये सारे का सारा वोट चंद परिवारों को मजबूत करने के लिए जा रहा है। इन पार्टियों में, इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में ताला लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते हो, हाथ उठा के बताओ। ताला लगाना चाहते हो ना? तो अगर ताला लगाना चाहते हो तो हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा एक परिवार से दो आदमी सांसद, विधायक, मंत्री नहीं हो सकता, देश की किसी भी पार्टी ने आज तक अपने संविधान में नहीं लिखा। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं कि जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल के काम को याद कर लेना, शिक्षा के क्षेत्र में उनके परिवर्तन को याद कर लेना। क्या हालत थी आपके सरकारी स्कूलों की? मुझे तो याद आती है रफीक सादानी की वो पंक्तियां, जिस तरह से यहाँ के नेताओं ने यहाँ के सरकारी स्कूलों की हालत कर दी थी। हमारे अवधि में वो लाइन है कि बरखा माँ विद्यालय ढहेगा और वही के खाले टीचर रहेगा और तोहरंग कूद के ठेकेदारी जियो बहादुर खद्दर धारी। ये हालत थी सरकारी स्कूलों की। उस सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। तो याद रखना, अगर आपको बिजली का आधा दाम याद रहेगा, मुफ्त पानी याद रहेगा, स्कूलों की हालत जो हमने बेहतर की है वो याद रहेगा, अगर आपको याद रहेगा कि हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की योजना लाई
अगर याद रहेगा कि 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए ईमानदारी से बचाने का काम किया, अगर याद रहेगा कि हमारी सरकार ने कहा अगर घर में किसी का भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाए उसके पीछे अगर 25 लाख रुपए का भी खर्चा आता है तो दिल्ली की सरकार उठाएगी, अगर ये सारी बातें याद रहेगी तो अरविंद केजरीवाल याद रहेंगे, हमारा छोटा भाई दिलीप पांडे याद रहेगा, इनका चुनाव निशान झाड़ू याद रहेगा और उसके आगे की बटन याद रहेगी। इतने जोर से उस बटन को दबाना, इतनी बार उस बटन को दबाना, इतने लाखों की संख्या में उस बटन को दबाना कि बाकियों की जमानत जब्त हो जाए। और भाई दिलीप पांडे जी, 12 मई की डेट भी आ गई है, 12 तारीख को अपने अपने घरों से निकल जाना, मोहल्लों से निकल जाना, अड़ोसी पड़ोसी सबको साथ में लेकर निकल जाना और अपने आप को जिताने का काम करना। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है, यारो बुरा न मानो तो कह दूं इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इस वतन का सौदा करने वाले लोगों से चुन चुन के अपने वोट की ताकत से बदला लेना है, भाई दिलीप पांडे जी को जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब आम आदमी।